दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पीएनबी ग्लोबल गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा, इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा, फीचर्स क्या मिलेगा, इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको पीएनबी ग्लोबल गोल्ड क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो वीडियो को आप अभी से ही कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने ग्लोबल गोल्ड क्रेडिट कार्ड को ऑल परचेस के लिए इस क्रेडिट कार्ड को तैयार किया था, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप परचेसिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड से एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे ई बिल रजिस्टर करने पर आपको 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे इनकी वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 50 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड के जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं इनको आप बड़ी आसानी से रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने के लिए आपके पास कम से कम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप रिडीम कर पाएंगे। और रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहते हैं उनकी 3 ईयर्स की रिवॉर्ड पॉइंट की वैलिडिटी रहेगी। 3 ईयर्स के अंदर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर लेना है, नहीं तो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप फ्यूल सरचार्ज की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे 1% का फ्यूल सरचार्ज है, वो भी बिल्कुल वेवर ऑफ रहेगा। लेकिन इसके लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम आपको 400 रुपए का करना होगा। ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए तक का अगर आप फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको पीएनबी बैंक के जितने भी डिस्काउंट ऑफर वगैरह है वो सारे के सारे आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। साथ में आपको ईएमआई की फैसिलिटी है वो भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। अगर आप कोई भी 2500 या फिर उससे ज्यादा का कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 महीने से लेके 36 महीने तक की ईएमआई की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। साथ में आपको इस क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी मिलेगी, यानी कि आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड है और किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है तो आप इसका बैलेंस उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी भी मिलेगी। मिनिमम आप 2000 रुपए कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 90% तक की लिमिट को आप दूसरे क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का बेनिफिट है वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप यूटिलिटी बिल पेमेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बिल, ये बड़ी आसानी से बिल पेमेंट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से आप नेशनल और इंटरनेशनल पेमेंट भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड आपको कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे आप 5000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन बिगर पिन के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड के साथ आप अपनी फैमिली के लिए 2 एड ऑन कार्ड ले सकते हैं। जिनके लिए एड ऑन कार्ड लेते हैं उनकी एज है वो 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, तभी आप एड ऑन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ ये क्रेडिट कार्ड आता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस है वो 300+18% का जीएसटी रहेगा। बट आप इस क्रेडिट कार्ड को एफडी के अगेंस्ट में लेते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, न कोई इसकी ज्वाइनिंग फीस है और न ही कोई एनुअल फीस इस क्रेडिट कार्ड की रहेगी। लेकिन आप विदाउट एफडी के लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस आपको देना होगा, लेकिन ज्वाइनिंग चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलेगा वो आपको 20 to 50 डेज का मिलेगा। इसके अंदर 30 डेज होंगे वो आपके एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के होंगे और 20 डेज आपको इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। ये 20 डेज के अंदर ही आपको इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना होता है। अगर आप 20 डेज के अंदर बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 500 रुपए की हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 750 रुपए तक की लेट पेमेंट पेनल्टी हो सकती है। इसके अलावा जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू रहता है उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करें तो 2.95% मंथली चार्जेस रहेगा, वहीं पर एनम की यहाँ पे बात करें तो 3.589% पर एनम का चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। कोई भी आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू रखते हैं तो ये फाइनेंस चार्ज आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी फॉरेक्स करेंसी में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 3.5% का चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। वहीं बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज है वो 21 से लेके 65 ईयर तक की होनी चाहिए।
इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है, लेकिन आपकी जो एनुअली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए की होनी चाहिए तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को एफडी के अगेंस्ट में भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो बस यही था पीएनबी ग्लोबल गोल्ड क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।